कब होगी हमारे सूर्य की मृत्यु जिसे खत्म हो जाएगा हमारा सौर मंडल। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक बने रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें और लाइक जरूर करें। आपके इस प्यार से हम बहुत इंस्पायर होते हैं ताकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप तो जान ही रहे कि सूर्य एक तारा है। सभी तारों की तरह सूर्य का भी जीवन काल सीमित है। यह वर्तमान में अपने जीवन के मुख्य अनुक्रम में है जहाँ यह अपने मूल में हाइड्रोजन को हीलियम में संलयन करता है। वर्तमान वैज्ञानिक समझ के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि सूर्य में स्थिर हाइड्रोजन जलने का लगभग 5 अरब वर्ष शेष है। अतः सूर्य अपने कोर में मौजूद हाइड्रोजन ईंधन को खत्म कर देगा। परिणाम स्वरूप इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। सूर्य की बाहरी परतें फैल जाएगी और एक लाल दानव में बन जाएगी जबकि कोर सिकुड़ जाएगी और गर्म हो जाएगी। दोस्तों इस चरण के दौरान सूर्य पृथ्वी सहित आंतरिक ग्रहों को घेर लेगा और नष्ट कर देगा। लाल विशाल चरण के बाद सूर्य अपनी बाहरी परतों को त्याग देगा जिससे एक ग्रह निहारिका का निर्माण होगा जो एक घने कोर को पीछे छोड़ देगा जिसे सफेद बौना कहा जाता है। धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा जब तक कि यह महत्वपूर्ण गर्मी या प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। प्रभावी रूप से एक मृत तारा बन जाएगा।